सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा के भाग चार में एक बार फिर से गुरु भाई अजीत कुड़ी जी हमारे साथ हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आपसे जिक्र कर रहा था ऑफलाइन मोड में कि बहुत रिस्पॉन्स है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है इन तीन एपिसोड्स का, और इन तीनों की अगर टोटल व्यू निकाला जाए तो वो करीब 11-12 हजार के आसपास का व्यू है, और बहुत ईगरली बहुत गुरु भाई बहन वेट करते हैं कि कब अजीत कुड़ी भाई के साथ वाला सेशन का अगला एपिसोड आएगा। तो आज सबके साथ मैं भी आपके साथ हूं, और करीब 15 लोग अभी जुड़े हैं, 15 लोग जुड़े, बट धीरे धीरे करके ये संख्या 200, 250, 300 तक जाएगी, और उसके बाद लाखों की तादाद में ये एपिसोड देखे जाएंगे। तो जो प्रेम का फ्लो है ना आपकी बातों में, वो हमारे गुरु भाई हैं, उनकी बात का जिक्र करके फिर मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। एक मिनट की आपको माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि वो रिपीट हो रहा है उधर। हमारे गुरु भाई भंवर सिंह जी हैं, उन्होंने एक बात कही, एक ऑब्जर्वेशन है उनका, बहुत पुराने साधक हैं गुरुदेव के, 1986 से जुड़े हुए। उन्होंने एक बात कही कि देखो, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, उसके चेहरे से, उसके भाव भाव से, उसके हर शब्द से वो ही गुरु कृपा बरसती है। और जो नरमाई, शब्द सुनिएगा, जो नरमाई बाबा गंगाईना जी योगी में थी, वो नरमाई अजीत भाई में देखने को मिलती है। तो ओवर टू यू सर, ये एक फीडबैक था जहां से अपन आशीर्वाद करते हैं। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सभी सज्जन गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। धर्मेंद्र जी सर को धन्यवाद के साथ जय गुरुदेव। आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया और मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे भी कि मुझे चौथी बार फिर आने का अवसर मिला। जब शुरू शुरू में बात शुरू की थी प्रदुवन जी के मार्फत, आप मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि इस प्रकार से कुछ लाइव बातचीत करना चाह रहे हैं और आपसे आपका अनुभव आदि कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अनुभव तो काफ़ी सारे हैं, बट बता भी देंगे, क्या बताएंगे नहीं बताएंगे जो भी है था। बट सर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 सेशन 10 सेशन करते चलेंगे अपन, ऐसा और आगे ऐड कर देंगे। तो जैसे एक सेशन होता है तो मुझे ये लगता है कि मटेरियल इज ओवर नाउ, है ना, नाउ देर इज नो मटेरियल फॉर सेकंड या नेक्स्ट, है ना। आप जैसा कहते हैं ना कि अपन अगले सेशन में मिलेंगे, तो मुझे ये चिंता लगती है कि अगले सेशन में क्या बोलेंगे आप, तो पता ही नहीं, है ना। और बोल गए अपन तो, जो बोलना था जो कहना था कह दिया, अब आगे क्या होगा। मैंने कहा आगे जैसी प्रभु की इच्छा। अब ये भी पता नहीं होता कि आपका किस दिन में मैसेज आएगा और कब सेशन रखना है, ये भी ध्यान नहीं है। बिकॉज आप तो मतलब वो कहते हैं ना, परीक्षा देते हैं ना, तो परीक्षा देते हैं तो उसके लिए तो पहले एक टाइम टेबल आता है, तैयारी करने के लिए मौका मिलता है, आप तो कोई मौका भी नहीं देते, है ना। तुरंत आपको देन एंड देर आपको आंसर देना है, यू हैव टू गिव आंसर देन एंड देर एंड स्पॉन्टेनियसली, आपको त्वरित गति से आंसर देना है। तो गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव अब देखो आप जाने, आपका कार्य जाने, है ना, अब 5 देखे चाहे 25 देखे, है ना, अपने को जो है इसका न तो कोई ज्ञान है न कोई जानकारी, और संभालना सारा आप ही को है, आप ही का कार्य है। सारा फायदा है तो आपका है, नुकसान है तो आपका है। इसमें ठीक है कि आपने एक माध्यम बना लिया, ये बहुत ही बड़ी कृपा का ही परिणाम है, और बिना कृपा के, बिना सतगुरु की कृपा के तो एक पल भी नहीं बढ़ा जा सकता आगे, है ना सर। तो कुछ इस प्रकार का मैटर है। और अब अपन जैसा कि आपका आदेश है, मैं उसको बिल्कुल एज इट इज गुरुदेव का आदेश को ही के रूप में ही उसको देखते हुए मानते हुए मैं बात को रखते हुए अपन बात कर रहे हैं कि जी गुरु भाई जी, एक सबकी जानकारी में एक जगह है जो 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 जो, जो लोग भी गुरुदेव से और गुरुदेव सिद्धि योग से जो टच में है, संपर्क में है, उन सभी की जानकारी में है कि काजलवास
नामक एक जगह है, काजलवास, सिद्ध गुरुओं की, सिद्ध तपस्वी जनों की एक तपोभूमि है, और उसी के पास में जगह है गोरम घाट। जैसा कि मैंने कुछ पिछले एपिसोड्स में एक दो बार मेरे इस बार इस संबंध में मैंने जिक्र किया था कि इन दोनों ही स्थान पर चूंकि मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और जो जो पोस्टिंग प्लेस है, जो ड्यूटी प्लेस है, वो इनके नियर बाई है, इनके नज़दीक स्थान है होने से। तो सबसे पहले सर, काजलवास जो एक आदिकाल से, आदिकाल का मतलब है सर कि वो सृष्टि के आरंभ से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही वो एक ऐसी जगह रही है, वो एक ऐसी तपोभूमि रही है जहाँ सिद्ध पुरुषों ने, और नवनाथ 84 सिद्ध, 84 जो वहाँ एक कोई एक, एक, एक लिखा हुआ भी है, मिलेगा अपने को, देखेंगे, तो उन्होंने वहाँ तपस्या की। तो उसमें से जैसे वहाँ 11 जो समाधि, जीवित समाधियाँ वहाँ पर बनी है, सभी जानकारी में है नहीं तो मैंने बताना चाहूंगा कि वहाँ 11 कुल समाधियां हैं, जिनमें से 11 समाधियां सारी जीवित हैं, और उनमें से दो समाधियां ऐसी है जिनमें गुरु और शिष्य की दोनों की एक साथ समाधियां हैं। और अच्छा जी सर, तो उनमें से एक समाधि जो है, जो जो डबल है, डबल मतलब एक में दो है ना, वो एक समाधि है धुंधलानाथ और दोरमनाथ जी, धुंधलानाथ और धोरमनाथ की समाधि है। और उस उनके इस समाधि के बारे में ये प्रचलित है कि जब ये धुंधलानाथ जी और ये धोरमनाथ जी, ये धोरमनाथ जी तब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते इनका जो तपोबल है, वो तपोबल इतना उच्च श्रेणी का, इतना हाई लेवल का चला गया था, मतलब ये सर मैं बताऊं, ये बीमारियां, परेशानियां, सांसारिकताएं, समस्याएं, ये तो पता नहीं कहाँ छूट जाती पीछे। आप मतलब ओ आप बिल्कुल यू मतलब यू एंटर्ड बिल्कुल इन ए डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो क्या होता है सर कि उन्होंने, उनके तपोबल से इतना प्रभाव हुआ कि ये प्रचलित है कि जब तपस्या करते 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 वो इस लेवल पर चले गए कि इंद्र, इंद्र का सिंहासन जो है वो डोलने लग गया, ऐसा प्रचलित है। और वो क्या हुआ कि इंद्र, बताते हैं कि इंद्र भागा भागा गया भगवान शिव के पास। वो भगवान शिव से निवेदन करके उन्होंने कहा कि महाराज, वो धोरमनाथ तपस्या कर रहा है, और वो अगर वो नहीं रुकता है तो मैं गया काम से, है ना, तो आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान शिव बोले कि भाई साहब आप देखो, ऐसा करो, मेरे बस में नहीं है इसको हटाना, है ना, मेरे काम नहीं, मेरा मेरा ये वो नहीं है, तो आप है ना ऐसा करो, इनके गुरु हैं गोरखनाथ जी, आप उनके पास जाओ और उनसे प्रार्थना करना। और गोरखनाथ जी के सामने जावे तो भगवान शिव ने दो रास्ते बताए, देखो गोरखनाथ जी भी तपस्या कर रहे हैं, अब तू उनकी आंख खोलेगा तो या तो तेरे को वो जला के नष्ट कर देंगे, और अगर वो जला के नष्ट नहीं किया तो तेरे को आशीर्वाद दे देंगे, आशीर्वाद दे दिया तो तेरा काम हो गया समझ ले, और नहीं तो फिर जैसे तेरी गति है। तो इंद्र भगवान बोले कि मरना तो यूं ही है, यूं ही है, तो फिर क्यों नहीं सेकंड वाला ऑप्शन काम में लिया जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया श्रीमान ने, वो जाकर के गोरखनाथ जी, जो गोरखनाथ जी का निवास जो स्थान है सर, वो जो स्थान है वो गोरम घाट जो काजलवास जो समाधि स्थल है, और उसके जी ऊपर एक गोरम पहाड़ी है, और गोरम पहाड़ी के ऊपर भगवान ये गोरखनाथ जी जो है महाराज जो है ये बैठ के तपस्या किया करते थे, जी ऐसा प्रचलित है ना। तो क्या हुआ कि वो श्रीमान इंद्र महोदय, इंद्र जी महोदय, वो क्या हुआ उनके सामने समक्ष समक्ष जाकर के प्रकट हो गए, और उनको ये भगवान शिव ने ये कहा कि तू ऐसा करना, एक तो शेर का रूप बनाना और एक गाय का रूप बनाना, है ना, और शेर के रूप में उनके, और ऐसा करना कि शेर मतलब गाय पर हमला करेगा गोरखनाथ, और गाय चिल्लाएगी तो गोरखनाथ जी गाय की रक्षा अवश्य करेंगे, और इसके तहत क्या होगा, वो अपनी आंखें खोल देंगे, जब वो अपनी आंखें खोले तो तू अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो जाना, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना। तो बोले ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो उसने वैसा ही किया, जाकर के वो एक शेर बना और एक गाय बनाई, और शेर गाय पर अटैक करता है, गाय भागती है, गाय रक्षा के लिए चिल्लाती है, तो गोरखनाथ जी महाराज ने आंखें खोली नहीं, आंखें नहीं खोली, उनके वो जो धूनी में बबूती की राख पड़ी थी ना वो उठा के फेंकी,
ही वो शेर के ऊपर गिरी, शेर का तो काम पक्का तमाम। अब इंद्र ने देखा ये तो फिर रुके, ये तो आंख ही नहीं खोली, काम बना नहीं, तो फिर वो गाय बना हुआ भागता रहा। वो भागते भागते जब गोरखनाथ जी लगा ये गाय चुप नहीं हो रही, तो वो गोरखनाथ जी महाराज ने आंखें खोली, बताते हैं है ना। आंख खोलते ही जो है इंद्र हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। बोले बोल क्या मांगता है। बोले कि ये जो आपके नीचे शिष्य बैठे हैं ना धोरमनाथ जी महाराज है ना, ये मेरे को मरवा देंगे है ना। हम्म, तो बोले कि आप इनकी इनकी आंख तपस्या भंग करो। बोला ठीक है चल। तो वो वहां से ऊपर से नीचे गए, नीचे गए को बेटा धोरम आंखें खोलो। बोला नहीं गुरु जी आंखें तो खोल ही नहीं सकता। बोले क्यों। बोले मेरे सामने जो भी आएगा ना वो जल के नष्ट हो जाएगा आंख खोलते ही। बोले ऐसा कर तू एक काम, एक आंख तो मेरे मेरे चरणों में खोल दे गोरखनाथ जी महाराज बोले, और एक आंख पानी के अंदर खोल दे। बताते यहाँ पहले कोई समुद्र था है ना, तो जिधर आंख खोली पानी में तो पानी सूख गया, एक आंख गोरखनाथ जी महाराज खोल करके ऐसे इंद्र की रक्षा हुई। तो ये जो काजलबास है ये इस लेवल के तपस्वियों की भूमि रही है आदिकाल से रही है ना सर। तो और जैसा कि अभी सबकी जानकारी में भी होगा कि हमारे गुरुदेव ने भी इस स्थान पर जाकर के पूजा अर्चना भी की है ना। जी तो जी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जी मतलब पूरी सजाया गया था उस जगह को, और गुरुदेव खुद गए थे वहां पर, और मतलब बड़ा मतलब एक शरीर के साथ है ना, एक वृद्ध शरीर के साथ वहां जाना, और जिस प्यार से गुरुदेव ने वो पूजा अर्चना की वो सच में मतलब अविश्वसनीय है, वो देखा मैंने। अविश्वसनीय। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, जब गुरुदेव ने वहां पूजा अर्चना की है ना, तो इसका मतलब है कि वो स्थान, वो कहना ये सील मोर लग गई उस पर है ना। तो इसके बाद क्या होता है सर कि ये काजलवास के संबंध में और वहां के योगियों के संबंध में जो एक संक्षिप्त चर्चा थी। और इसके बाद में मैं जी बताना चाहूंगा सर कि जो गोरम घाट, जो गोरखनाथ जी महाराज का जो स्थान है ऊपर, वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी का सम्मिलित मूर्ति है। और वो काफी हाइट के ऊपर पहाड़ी है। पहाड़ी का मतलब है सर करीब हमें 5 किलोमीटर की हाइट पर चलना होता है करीब, और 5 किलोमीटर बिल्कुल सर। और इसके 2-3 रास्ते हैं, अलग अलग है। एक तो बिल्कुल एक तो करीब 70 डिग्री के एंगल पर है, और एक 45 डिग्री के एंगल पर है। और बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। और वहां जाकर के तो वहां कहते हैं सर कि वो जो गोरम पहाड़ी है उसके अंदर आज भी हजारों ऋषि मुनि तपस्या में लीन है, और वो अंदर से खोखली बताते हैं। वहां के जो ऊपर जो लोग रहते हैं और वो जो बताते हैं बात जो कर रहे हैं वो इस प्रकार की है वो। और वो जो तपस्या का जो स्थान है वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। और वहां पर बताते हैं एक एक कोई एक चट्टान सी, एक कोई पत्थर की बहुत बड़ी सी एक प्लेस मुझे दिखाया गया। बोले कि वो जो आप दूर देख रहे हैं स्थान ना, उस जगह पर क्या है कि उस चट्टान के सामने यदि कोई व्यक्ति जाकर के खड़ा होता है और वो व्यक्ति 100% ईमानदार रहा है अपने जीवन में, तो उसके सामने वो चट्टान में से एक रास्ता खुलता है और वो इसी पहाड़ी के अंदर जाने का रास्ता है। और अंदर फिर आपको दूसरा ही लोक, दूसरी दुनिया अंदर। ये ऐसी प्रचलित है ये बात। तो ये जो गोरम घाट और ये जो तपस्या के स्थान है जो जी 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 सर, जहां पर अच्छा गोरम घाट के नीचे एक जगह है सर जोग मंडी। जोग मंडी जगह है, वहां पर हमारे गुरुदेव के गुरुदेव अर्थात हमारे बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज ने भी वहां तपस्या की। गंगाईनाथ जी बाबा जी ने, अपने दादा गुरुदेव ने वहां पर भी तपस्या की, जोग मंडी में भी, काजलवास में भी करी। और जोग मंडी में बताते हैं कि वहां तो ये शेर भालू वगैरह तो उनके पास ही बैठे रहते थे वैसे ही। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है सर कि ये हम जिस सत्ता से जो जो अटैच है ना, वो सत्ता किसी भी कीमत पर किसी भी रूप में सामान्य नहीं है। हम बड़ी असीम सत्ता से कनेक्टेड हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा निवेदन करने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी रूप में किसी भी कारण से कि कभी भी कोई चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। हमें अपने आप पर तो कुछ लेना ही नहीं है, लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वी नीड टू वरी, अपन वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। अपन बहुत ज्यादा सुरक्षित और बहुत ही
सॉलिड हैंड्स में है, नंबर वन, तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है कि हमें ना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फ्यूचर पे क्या होगा, आज ये होगा, आज वो होगा, कल वो हो जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। गुरुदेव ने बोला ना, मैंने कहा गुरुदेव को, मैंने जैसे कि मैंने पहले पिछले एपिसोड में एक निवेदन किया भर के बताया था, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि, मैंने कहा गुरुदेव इस सिस्टम की और कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, तो गुरुदेव बोले बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये सिस्टम तो कल बदल जाएगा, ध्यान देना तो ध्यान और नाम जप कर देना। तो ये बात उस समय समझ में नहीं आई, ये बात अब बहुत बढ़िया समझ में आ रही है ना। तो वो कहता है ना, जो जो आदमी अनुभव करता है, जो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो ये बात 18-20 साल बाद में समझ में आ रही है। अगर उस समय ही समझ में आ गई होती तो हो सकता कुछ और ही व्यवस्था में और कुछ नजारा होता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी गुरुदेव की इच्छा होती है, उनकी इच्छा के बिना तो वैसे भी पत्ता ही भी नहीं हिल सकता है ना। कण कण में उनकी लीला है, कण कण में उनकी महिमा है, कण कण में उनके दर्शन है ना, पत्ता पत्ता बोलता है ना, जहां आप याद करोगे वहां उनकी कृपा बरसती है ना, और बिल्कुल अनवरत बरसती है। आपको तो बस एक बार याद भर करना है, और अब तो स्थिति ऐसी है कि याद भी नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिक। एक मैं अभी कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले, कि मयूर जी परमार अपने गुजरात से हैं, मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो यार होता कैसे है, मेरे को फीलिंग्स जो होती है ना, वो फीलिंग्स क्या होती है, वो फीलिंग्स ऐसी होती है कुछ कि सपोज मैंने एक व्यक्ति को, मुझे कोई काम कहना है और मुझे कोई, मुझे किसी चीज की नीड है, और सपोज मुझे का मतलब है कि सर एक पर्सन को है ना, एक व्यक्ति को एक कोई नीड है और उसको कोई एक किसी एक सिस्टम से काम कर रहा है ना, तो वो गुरुदेव से प्रे करता है कि हे गुरुदेव है ना, कृपया मेहरबानी करके और मेरी सहायता करने की कृपा करें है ना, या ये जो मेरा जो कार्य है इस संबंध में आप जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करें है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही वो प्रे किया, आपने प्रेयर करी ना, प्रेयर करते ही क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है ना, आपको अपने को पता ही नहीं चलता, आपको भी नहीं पता चलेगा, वो रिक्वेस्ट आपकी देन एंड देयर अलाउड हो जाती सब है ना। वही देन एंड देयर का मतलब है तुरंत प्रभाव से आपकी रिक्वेस्ट अलाउड, एप्लीकेशन स्वीकार, उसमें कोई डेट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई हीरिंग नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वही के वही स्वीकृत स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। और वही स्वीकृत होते ही क्या होता है सर, जैसे सपोज मान लो वो कार्य है ना 6 लोगों के द्वारा किया जाना है इन फ्यूचर है ना, जो कि आप अगले 10 दिनों के बाद में 6 लोग मिलकर के उस कार्य को करेंगे पूरा, उन 6 लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सी रचना अब रची जा रही है। तो जो ही एप्लीकेशन आपकी मंजूर होती है, एप्लीकेशन मंजूर होते ही उन 6 लोगों के पास में सारे मैसेजेस पास हो जाते हैं कि आपको वो काम करना है, आपको वहां खड़े होना है, आपको ये बैठना है, आपको इधर 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 मुड़ करके इस साइड में आईज इधर घुमानी है ना, और चौथे को कहते हैं तेरे को मोबाइल कॉल करके 2 बार मिस कॉल देना है, 5 बार, मतलब कहने का मतलब क्या कि वो सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था जो है ना, सारा सिस्टम जो है ऐसा बैठता है कि मतलब ने तो प्रेयर करने वाले को पता चलता है, और ने जो वो मोहरे बने हैं ना, मोहरे वो जो है ना, गुरुदेव के मोहरे होते हैं सारे ये है ना, वो जो 6 लोग है ना, वो सारे मोहरे हैं, कठपुतली कठपुतली जिसको बोलते हैं है ना, वो कठपुतली की तरह नाचते हैं है ना, वो कहते हैं कि अरे बिल्कुल वो काम जो ही करना, वो मतलब आप जो ही आगे बढ़ते हो तुरंत काम होता है, जो ही आगे बढ़ते हो तुरंत। गुरुदेव ने क्या, गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, हिम्मत रखना, हिम्मत मत हारना कभी भी, बस आप मतलब आप ऐसे कनेक्टेड हो जाते हो जैसे कि बिल्कुल आप और गुरुदेव में कोई देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कोई अंतर नहीं रहता है, किसी प्रकार से अंतर नहीं रहता है सर। होता क्या है, आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा हो जाती है, आपकी इच्छा गुरुदेव की इच्छा हो जाती है, गुरुदेव की इच्छा आपकी इच्छा हो जाती है, और प्रत्येक कार्य इस रूप में होता है, इतने शानदार तरीके से होता है कि एक सामान्य व्यक्ति यदि उस बारे में सुने तो वो कहेगा कि या तो ये पागल है, या कोई है ना जादू टोना सीख गया, या कोई है ना कोई इसको कोई सिद्धि पिद्धि मिल चुकी है कहीं है ना, तो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन सर बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल एकदम एकदम इतना इजी गोइंग होता है, जैसे आप गाड़ी का गियर बदलते ही गाड़ी सीधी 0 to 100 किमी पर जाती है उसे। अब गाड़ी में कौन सा पुर्जा घूमता है, कौन सा नहीं घूमता है, ये हमें नहीं देखना है, हमें तो देखना ही नहीं है, हमें तो स्टेयरिंग हाथ में रखना है और गियर लगाना है, रेस पर पाँव रखना है, उतने में गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब कौन सा अंदर पुर्जा काम कर रहा है, कौन सा किस पुर्जे को किस कैसे, मतलब
ऑर्गन्स क्या क्या काम कर रहे हैं, उसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं, इस पर तो हमें जाना ही नहीं पड़ता है। ये इतना इजी वर्क है, इतना इजी है कि मतलब अविश्वसनीय सर। अब मैं बात को जी आगे सर, बढ़ाते तक अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने सर अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पोस्टिंग एडिशनल सीजेएम के रूप में है अभी, है ना, और राजसमंद जिला है जहां पोस्टिंग प्लेस है। राजसमंद जिले में जो अजमेर जिले के बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर एक प्लेस, छोटा छोटा सा प्लेस है, भीम जगह है, उस स्थान पर पोस्टिंग प्लेस है। तो वहां क्या होता है सर कि वहाँ का जो जो कोर्ट कैंपस है, जो न्यायालय परिसर है, वो काफी बड़ी एरिया में है, क्षेत्रफल उसका काफी बड़ा है। तो जब मैंने उसको क्षेत्रफल को देखा तो और मुझे लगा कि ये, और बिल्कुल खाली पड़ा था, पहाड़ी क्षेत्र सा था। और मैंने वहां बात की तो मैंने कहा, पूछा कि इनको कितना समय हो गया इसे बने हुए, तो बोले 2015 में यहाँ आ गया था, शिफ्ट हो गया था। बोला ठीक है, मैंने ठीक है, मैंने कहा इसमें कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं अपन, है ना, अच्छे से। तो बोले ठीक है, पेड़ पौधे लगा देंगे, तो लगेंगे नहीं यहाँ तो पेड़ पौधे, तो मैंने कहा देखो ट्राई करते हैं, लगा देते हैं। तो वहां के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनसे भी बात की, ऐसा एज सच हम लोगों को क्या है, एज सच कोई बजट नहीं मिलता है ना। तो जो वहाँ के लोकल एडवोकेट्स हैं, बार एसोसिएशन है, उनको बात करके और उनसे उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ये तो बड़ा ही अच्छा कार्य है, लगा देते हैं। तो उन्होंने एक दो बार बात सुनी, और सुन करके कुछ होता है ना सर कि 10 आदमी सुनते हैं ना, तो 4 आदमी तो नेगेटिव और 6 आदमी पॉजिटिव, है ना, चर्चा चलती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ तो कुछ होना नहीं है, ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, संभव ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। तो मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं क्या होना क्या नहीं होना है, जैसे भी होना, आगे तो परमात्मा की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, है ना। जी तो वहाँ वहाँ क्या हुआ कि वहाँ सर प्रयास करके दिसंबर 2019 में करीब नियर अबाउट 1000, 1000, 1000 से भी अधिक मात्रा में जो है वहां पर पेड़ पौधे, वहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहां कर दिया गया। अब कईयों को लगा ये तो मामला तो गलत हो गया, इसमें तो काफी एडवोकेट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया और इनका भी कंट्रीब्यूशन आ गया, पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी हो गया, और कैसे होगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा, सब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। और बोले ये तो इट इज ए टोटली रॉन्ग स्टेप, है ना। तो मैंने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, देखो क्या होता है ना। तो सर क्या हुआ कि वो जो लगाए थे ना, लगाए तो वो अब उस बात को करीब 1.5 साल से भी ऊपर निकल चुका है। और होता क्या सर, जिस जिस भी पेड़ पौधे के ऊपर, मतलब ये अब वो गुरुदेव का ही सारा खेल, गुरुदेव का ही चल रहा है ना। जहां पर भी है ना, यो हाथ रख के और 1 मिनट कह दिया कि अच्छे से चलना, है ना, तो अच्छे से चल, मतलब वो बिल्कुल थोड़ा सा हरे के घूम करके उसको कह दिया अच्छे से काम कर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर यू ओके, है ना, फाइन, है ना, बस एक बार बात कर ली। और वो पानी वानी पिलाने वाला है, अपना काम तो कर ही रहे पानी। तो सर वो सारे के सारे जो जो प्लांटेशन है, वो सारा प्लांटेशन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है हमारा जिसमें पोस्टिंग है, और वहां पर सर मतलब नॉट इन सिंगल कोर्ट, वो आप तो जब बाहर से एडवोकेट्स आने लगे, बाहर से ऑफिसर्स आने लगे, वो बोले कि ये तो संभव ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मैंने कहा देखो, और वो कोर्ट वाले बोलने लगे कि ये तो है ना, ये तो कोई भगवान की कोई विशेष कृपा है, बाकी ये तो पॉसिबल ही नहीं था, बाकी पेड़ पौधे तो लोगों ने पहले भी लगाए थे, नीम के पेड़ भी लगाए थे, ये भी लगाए थे। तो वहां पर तो और एक कई जने आते हैं, बोले ये तो पिकनिक स्पॉट हो गया, कोई बोले सेल्फी पॉइंट हो गया, कोई बोले कुछ, है ना। तो बोले कोर्ट लगती नहीं है, ये तो कोई पिकनिक प्लेस लगता है। तो बात यूं है कि है ना, जहां जहां आपने गुरुदेव को कुछ मतलब बिल्कुल साइलेंटली भी एक बार बोल दिया ना, मन में आपने कर भी लिया ना कि गुरुदेव ये कार्य है ना पूर्ण करवाने की कृपा करें, बाकी जैसा जी आपको उचित लगे, बाकी जैसा आपको उचित लगे,
वैसा ही हो, है ना। मेरा एक छोटा सा निवेदन इस प्रकार का गुरुदेव से करके, और आप आगे बढ़ जाओ, बात को वहां छोड़ दो। मतलब उसको खींचने की जरूरत नहीं है, उसको उसके ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप भूल जाओ, छोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करिए, एप्लीकेशन डाली, खत्म। आपने अपना काम कर दिया, डाक डाल दी, है ना। अब वो जाने, उनका काम जाने, उसको कैसे कहाँ भेजना है। तो कुछ इस प्रकार का मैटर हुआ कि वो बात करने लगे कि ये तो इतना जोरदार काम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, है ना, ये तो संभव ही नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे हो गया। अब वो पूछने लगे कि हुआ कैसे। मैंने कहा देखो, परमात्मा की मेहरबानी से हुआ। बोले परमात्मा तो रोज ही सबके साथ रहता है, आज तक तो क्यों कमाल नहीं किया परमात्मा ने। मैंने कहा ये बात भी सही है। अब लाइन पर आ गए, है ना। तो मैंने कहा अब सुन लो बात, है ना। मैंने कहा ये परमात्मा, देखो परमात्मा और गुरु में, फिर मैंने उनको, फिर वो 2 मिनट के लिए मैंने उनको अपनी बात रखी, है ना। मैंने कहा परमात्मा और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं, पर गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है। बोले हाँ ये बात भी सही है ना। अब वो क्योंकि रिजल्ट सामने था ना, तो वो हर बात को सुनने के लिए वो बाध्य हो गए, है ना। अब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते, आप तो हमें कुछ बताओ, हमें भी इस बारे में कुछ, है ना, आप दीजिए जानकारी दीजिए, और गुरुदेव का मैटर बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, बता देंगे, है ना। तो बताया उनको, मैटर भी बताया। फिर गुजरात से क्या हुआ कि गुजरात से ये मयूर भाई वगैरह इन लोगों ने क्या कुछ ऑडियो ऑडियो जो है बना करके ये लोग बेचते थे, गुरुदेव के मंत्र का ऑडियो जो है बना के बेचते थे। तो वो मंत्र का ऑडियो जो है वहां पर कोर्ट के अंदर लगा दिया गया। अब वो कोर्ट के अंदर, आप देखो सर कि जब कोर्ट चलती है, ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स 10 to 5 वो ऑडियो चलता ही रहता है गुरुदेव के मंत्र का, है ना। अब जो भी आते हैं, कई जने तो कान लगा के पास में खड़े हो जाते हैं, फिर अंदर आते हैं कोर्ट में। मैंने कहा देखो पहले तो, है ना, पहले तो गुलाब के फूल लगे हुए बाहर, उनकी खुशबू लेकर के अंदर आओ, फिर यहाँ गुरुदेव के जो नमस्कार करके फिर कोर्ट के अंदर आओ, तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो वो माहौल ऐसा हो गया। तो अब कोर्ट वाले ये कह रहे हैं कि माहौल तो सर ऐसा हो गया है कि हमने तो, हमारे आज मेरे को मान से ऐसे 2 साल कंप्लीट हो गए सर अभी, है ना, 2 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड नाउ। तो वो कहते हैं 2 साल कैसे निकल गए, हमें पता ही नहीं चल रहा, है ना। मैंने कहा ये तो देखो परमात्मा की इच्छा है ना, जैसी प्रभु की इच्छा वैसे ही निकला, है ना, मैं क्या बता सकता हूँ। तो सर वो मतलब वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं गुरुदेव का जो ऑडियो मंत्र है, मंत्र ऑडियो है ना, वो चलता ही रहता है, राउंड द क्लॉक चलता है वो, है ना। आने वाले उसको सुन के वो देखते हैं। वो बोले कि कोर्ट में गुरुदेव का मंत्र चल रहा है, किसी भी कोर्ट में मंत्र तो चलता ही नहीं है, कोर्ट में मंत्र कैसे, मंत्र से क्या लेना देना, है ना। तो मैंने कहा ये तो देखो, ये कृष्ण भगवान का मंत्र है, भगवान का नाम है ना। और अगर आपने इस नाम को प्रेम से, गंभीरता से, दो चीजें, एक तो प्रेम से और एक सीरियसली, गुरुदेव कहते जी हैं ना, आपने 8-10 दिन अगर इसको सीरियसली जप लिया ना, तो फिर ये आपके चिपक जाएगा भूत, ये फिर आपको नहीं छोड़ेगा। एक बार आपने चिपका लिया तो आपके चिपक जाए, फिर ये आपको ही खींचेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुदेव में जो है गुरुत्वाकर्षण, गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है ना। तो जी सर वो अपने को जो है अट्रैक्ट करते हैं। बस इतना सा करना है कि हमें एक बार उनको, उनसे रिक्वेस्ट करना है, उनसे उनको मांगना है, जिस प्रकार से वो, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका के प्रति, जैसे मीरा भाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, है ना। तो मेरे तो सब कुछ जो है ना, मेरा तो गिरधर और गोपाल और ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी, मातार पितार भाईर बहन, है ना, भाई दोस्त और दुश्मन मानो और कुछ भी मान लो ना, सारे के सारे गुरुदेव ही है। इनके आगे जो है सारा मैटर जीरो, दी जी एंड, है ना। तू ही आदि, तू ही आरंभ, अंत, है ना। शुरुआत आपसे है, अंत आपसे है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि अपने को बहुत अधिक, फिर धीरे 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 जाने के बाद में एक स्तर पर, एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें बहुत अधिक प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अधिक रिक्वेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। सारे जो भौतिक क्रियाकलाप है, भौतिक कर्म है, वो स्वतः 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 अपने आप होते हैं। और आप बस, आपको 24 घंटे आपके अंदर जो एक बस गुरुदेव आपको नजर आ रहे हैं, उनके अलावा कुछ सूझता नहीं है, उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है, उनके अलावा किसी की बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहे किसी भी रूप में कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं,
चाहे आप भले फैसला सुना रहे हैं, चाहे आप भले बयान टाइप करवा रहे हैं, चाहे आप किन्हीं से बात कर रहे हैं, चाहे आप किन्हीं को बात बता रहे हैं, कुछ भी, तो हर समय आपके माइंड में एक वही नशा चढ़ा रहता है कि हर समय बस जहां देखो वहां वही उनकी नीला नजर आती है। वो जैसा कि महाभारत में जो कहते हैं ना, अर्जुन कहता है कि मैंने मारा, भीम कहता है मैंने मारा, है ना, तो वो बर्बरीक बेटा दूर कहता है कि ना क्या मैंने 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 कर रहे हो, ये तो है ना सारा कृष्ण ने मारे, है ना, तो मैं देख रहा था, है ना, वो कहते हैं ना काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, है ना, तो अर्जुन कहता है मैंने पूरी महाभारत जीता दी, महाभारत जीता दी तो चार 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 तेरे को तो जो चार जनों ने मिलकर ही तेरे को हरा दिया, कहाँ गया वो अर्जुन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ ऐसा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, है ना, तो कहने का मतलब यह है कि सब सब कुछ आपका है, सब कुछ इनका है, इन्हीं से शुरू है, इन्हीं से अंत है, इन्हीं का यही जीवन है और यही सब कुछ है ना। तो कहने का मतलब ये था सर कि एक तो इस प्रकार का एक जो एक पॉजिटिव एक सकारात्मकता एक जो एनर्जेटिक जो चीज आती है, जो एक एनर्जी अंदर आती है, और उस एनर्जी का परिणाम ये होता है कि मतलब सर होता क्या है कि ये जैसे जैसे गुरुदेव में एक अट्रैक्शन है ना, वो एक उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो ही जी अपन जो ही एक साधक प्रेम पूर्वक निमंत्रण सॉरी प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट करके और उनसे अटैच हो गया ना, अटैच होने के बाद में क्या होता है कि उसमें भी वही चीजें जो है उसका अच्छा उसको साधक को पता ही नहीं चलता, जो प्रार्थना कर रहा है ना उसको पता नहीं चलता है कि ना वो उसके साथ क्या हो रहा है ना, ये पता चलता है सामने वाले को, वो देखता है। अच्छा सर होता क्या है मैं बताऊं क्या होता है कि जैसे आप ना साधना कर रहे हो ना, साधना कर रहे हो ना, जी होता क्या कि एनर्जी ऐसी आती है अंदर, एनर्जी ऐसी आती है, जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी मैडम श्रीमती जी वो बोलते हैं कि आप पूरे दिन बंदर की तरह क्यों उछलते रहते हो, है ना, मतलब आप है ना बैठते ही नहीं हो, है ना, आप है ना रुकते ही नहीं, है ना, आपके अंदर इतनी मतलब फुर्ती कहाँ से आ गई, एनर्जी कहाँ से आ गई, जब बोलो यहाँ जाना वहां चलो, वहां जाना वहां चलो, ये जाना ये करना वो करो, मतलब रुकने का नाम ही नहीं, है ना, और सारा दिन फिर भी टनाटन। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का तात्पर्य ये है सर कि गुरुदेव का जो ये मंत्र और जो गुरुदेव की जो कृपा ये जब बरसती है ना, क्योंकि ये मंत्र जो है इसमें ये सुदर्शन चक्र है ना, और इससे इसके माध्यम से सारी नेगेटिविटी का लॉस हो जाता है ना, आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता को ये जीवित ही नहीं रहने देती है ना, और आपका पूरा जो है ना वो आपके चाहो आप चाहें या नहीं चाहें, है ना, आप सोचो कि मैं जाऊंगा लेफ्ट तो ये ले जाएगी राइट, आप सोचो कि मैं जाऊंगा राइट तो ये ले जाएगी लेफ्ट, है ना, करके देख लो, मैंने सर ये सब चीजें करके देख ली, है ना, आई हैव डन इट प्रैक्टिकली एंड है ना आई एम द आई विटनेस ऑल दिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग। तो कहने का मतलब ये है सर बिल्कुल कि सर, आपकी सर बात की मैं तस्दीक करना चाहता हूं यहाँ पे। जो जी 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 प्लीज जब आप गुरुमय हो जाते हैं तो फिर आप नहीं रहते, फिर वह सब कुछ गुरुदेव ही हो जाते हैं। और अभी आपका सेशन शुरू होने से पहले एक गुरु बहन का फोन आया, यस उसका जिक्र मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन उन्होंने वो फोन जो शुरू किया ना, वो इस हिसाब से शुरू किया कि गुरु भाई मैं आपसे बात करने के लिए लालायित थी, मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की। अच्छा, फोन भी ऐसे टाइम पे आया कि सेशन शुरू होने वाला है और मैं नहीं उसको डिले कर सकता क्योंकि वो गुरु की इच्छा है वैसी है। लेकिन 10-12 मिनट थे और उन्होंने ये बात बताई कि उसके भाई ने, पंकज है उसके भाई का नाम, गुरु बहन के भाई का नाम, उषा जी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और वो बहुत बीमार रहती थी। तो उसके भाई ने कहा कि तू 10 दिन करके देख ले, 10 दिन करके देख ले, सारे डॉक्टर ट्राई कर लिए, सब कर लिया, तू 10 दिन ये करके देख ले, नहीं हो तो छोड़ देना। और उन 10 दिनों के अंदर उसका ऐसा चमत्कार हो गया कि अब सब गुरुमय हो गया। तो वो गुरु बहन ने कहा कि
अपने भाई को बोला कि मेरे को वो धर्मेंद्र जी दिखाई दिए थे ध्यान में गुरुदेव के साथ, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनका उनका नंबर मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा आपने तो नंबर वैसे डिस्प्ले में चलते रहते हैं, अपन तो सब गुरु में हो रखे। तो क्या उनकी बात है। बड़ी हार्दिक इच्छा पूरी हो गई कि भाई आज धर्मेंद्र गुरु भाई से बात होगी। और इधर टाइम का कंस्ट्रेंट ये है कि भाई मैं आप 10-12 मिनट आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा 10-12 मिनट से। तो आपने जो कहा ना कि जब आप गुरु को समर्पित हो जाते हो तो फिर गुरु आपके अंदर ही आ जाता है और वो सही आपकी बात हर है। इच्छा पूरी कर देता, क्योंकि वो आपकी इच्छा है ही नहीं, वो गुरु हाँ की सर इच्छा है। बिल्कुल सर। बिल्कुल आप जारी रखें सर, बीच में एक मैंने टोक दिया उसके लिए नहीं, माफी चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई, और बहुत ही ये तो गुरुदेव की अति विशिष्ट कृपा ही इसको कहेंगे कि, और कि गुरुदेव ने आपको अपने साथ उनको दर्शन दिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही निश्चित रूप से बड़ी बात है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें उस बारे में पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, और ऐसा हो क्यों रहा है, हमें इसकी भी हम बिल्कुल अनअवेयर हैं अबाउट ऑल दिस। ये बड़ा अजीब सा साइंस है सर, मतलब आपकी पर्ची आपसे पूछे बिना गुरु फाड़ देता है, बिल्कुल यही है ना। यही है, बिल्कुल सर, है ना। अच्छा अब जर अपन कुछ बात कर रहे हैं कि जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि इससे तुम्हारे को आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। आप एक एक मृत्यु तो आएगी, क्योंकि ये शरीर जो बना है ये गड़ा तो गलना ही गलना है ना। लेकिन जो ये गड़ा लिए बैठे हो ना, अगर तुम दोबारा नहीं बनने देना चाहते, तुम चाहते हो कि ये दोबारा नहीं बने, तो नाम ही जपो, जैसा कि गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन और शब्द हैं, है ना, जो बड़े ही आदरणीय और है ना, बड़े ही सहज सरल और बड़े ही प्रिय, बहुत ही सुंदर और बड़े अच्छे सरल शब्दों में गुरुदेव ने जो है ना इस चीज को बताया। बट सर इस बारे में कुछ बातचीत ये है कि जैसा कि देखते हैं, हम देखते हैं जनरल रूटीन में देखते हैं कि जो ये जहाँ लिखा होता है मोक्षधाम है ना, जहाँ जो क्रियाक्रम का अंतिम अंतिम क्रियाक्रम के स्थानात होते हैं, प्लेसेज होते हैं, है ना, तो वो तो जस्ट सर सबसे पहले ये देखना होगा कि व्हाट इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब कहते हैं मुक्ति, बहुत सरल दूसरा अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति किसे, किसी को भी पूछो वो क्या कहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति, है ना। अब उनको पूछे कि जन्म मरण से मुक्ति का अर्थ क्या है, कृपया आप मुझे ये बताने की कृपा करें। तो कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति मतलब संसार के चक्र से छुट्टी। मैंने कहा अच्छी बात है, संसार के चक्र से छुट्टी, तो अब आगे और बताओ, संसार चक्र छुट्टी का कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, हमें पता कैसे चलेगा। और वो गुरुदेव को एक बार कहा ना एक दिन कि गुरुदेव पता कैसे चलेगा कुंडलिनी जागृत हो गई, तो गुरुदेव बोले जब पता ही नहीं चले तो क्यों तू दुख पावे, क्यों उसको दुख देवे, सुती रहने दे, है ना। आइए, ये बहुत देसी तरीके से बहुत जोरदार बात कही गुरुदेव ने। आप ही एकमात्र ऐसे गुरु भाई हैं है जो इस बात को याद रखे हुए और दोहरा रहे। ना, तो गुरुदेव बोले कि तेरे को क्या पता नहीं चलेगा, सारे संसार को पता चल जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति। अब गुरुदेव कहते हैं ना मुक्ति कोई खिलौना नहीं है जो जाते ही गुरु हाथ में पकड़ा देगा, है ना। गुरुदेव बोले ये क्रियात्मक पथ है, क्रियात्मक रास्ता है, एक विधि है, मतलब जस्ट जैसा कि पिछले एपिसोड में या उसमें अपन ने बात की थी, इट इज ए स्टडी ऑन, है ना। तो ये स्टडी है, एक अध्ययन है, ये स्वयं का अध्ययन है, जैसा कि एक सिद्धांत में बताया गया कि स्वाध्याय, तो ये स्वयं स्वयं का अध्ययन है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुक्ति जो है, मुक्ति कोई खिलौना नहीं। तो इस संबंध में कबीर दास जी का एक कोई संत महात्मा का एक दोहा है, वो दोहा इस प्रकार आता है सर कि उसमें कहा है कि मरण मरण में वेद है, मरण मरण में वेद है, जो मर जाने कोई, है ना, मरने से पहले जो मरे, आगे बोला मरने से पहले जो मरे अजर अमर होई। अब सवाल अगला पैदा होता है, मतलब इसका अर्थ ये है कि मरने मृत्यु मृत्यु में भी अंतर है, देर इज डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड डेथ, कि कैसे आपका मतलब आप दी एंड कैसे हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये है आपके शरीर का वो कैसे हुआ, तो तात्पर्य ये है सर कि फिर आगे बोला कि
मरने से पहले जो मरे, अब मरने से पहले कैसे मर सकता आदमी, सवाल तो यह है कि मरने से पहले कैसे मरेगा, वो संभव ही नहीं है। वो अजर अमर हुई, वो अजर अमर होने की दशा में पहुंच जाता है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया है कि आपको जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, आपने औरों की 5-10 की देखी ना, तब तो कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन देखी खुद की देखी और घबरा गया, और फिर क्या कि डर गया, है ना। अब क्या मरना पड़ेगा, अच्छा मरना पड़ेगा तो अब क्या करें। फिर भगवान से हाथ जोड़ के माफी मांगता है, हे भगवान जो गलतियां करी वो तो कर ली, तू तो दयालु है ना, अब की माफ कर दे, आगे नहीं करूंगा। तो वो कहता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है, बहुत कंसंट्रेट हो जाता है। फिर उसको जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी ना, वैसे उसको भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जब वो उस लेवल पर चला जाता है, तब उसका ईश्वर से साक्षात्कार, जो एक दर्शन प्रत्यक्ष अनुभूति तो पहले ही हो रही है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। तो वो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा इंटरव्यू होता है जैसे आप और हमारे बीच में आ रहा है ना। तो उस प्रकार से एक इंटरव्यू हो जाता है, तो वो स्थिति में पहुंच जाता है ना व्यक्ति, वहां वो मुक्ति है। तो वो कहता है ना, जीते जी मुक्ति हो सकती है, मरने के बाद तो कोई मुक्ति है, मोक्ष एंड दोष है। गुरुदेव कहते हैं ना, मरने के बाद कुछ नहीं भैया, है ना, जो होगा ना इसी शरीर में रहते होगा और इसी जन्म में होगा, है ना। अगर अगर यूं ही मर मरा गए ना, तो दोबारा दोबारा लौट के आना पड़ेगा, जी, यू हैव टू कम बैक। और सर जहां से छोड़ा वहीं से आगे जाना पड़ेगा। जहां से छोड़े वहीं आगे जाना है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि ये जो चीज है ना, ये चीज क्या है, मतलब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इतना, मतलब इसका एक डिफरेंस है, बिल्कुल औरों से बिल्कुल डिफरेंस है। आप जो दूसरे सिस्टम्स हैं, आप जो दूसरी जो पद्धतियां हैं, साधनाएं हैं, जो कथाएं वगैरह वगैरह है, पूजा पाठ की विधियां हैं, उनसे देर आर टोटली डिफरेंट, है ना, एंड टोटली न्यू रोड। जैसे कि महर्षि अरविंद ने बोला इस बारे में कि इट इज ए न्यू रोड, इट इज न्यू रोड, ये एक नया रास्ता है, नन वेंट बाई दैट वे, इस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं चला है ना। तो गुरुदेव ने जैसे, अच्छा फिर इसके बारे में गुरुदेव आगे और फरमाते हैं कि याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि जो है आनंदमय कोष तक पहुंच गया था, है ना, लेकिन सत और चित्त तो अभी भी अंतस्थ है ना। तो कहने का मतलब है, अब सातों कोष चेतन हो जाएंगे मेरे गुरुदेव की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि जी, कि गुरुदेव की जो लीला है, गुरुदेव का जो मैटर है, विषय है, इस विषय के आधार पर जो है व्यक्ति कहां से कहां, कितने समय में, कितने शॉर्ट संक्षिप्त समय में पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना। मैं सर एक एग्जांपल मेरे को और याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि दो 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 भाई बंद थे, दोनों अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठे बैठे तपस्या कर रहे। तपस्या करते करते क्या हुआ, उधर से कहते हैं कि नारद जी निकल गए। नारद जी निकले ना, तो वो बोले भाई, एक पहला पूछता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, बोले कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, बोले यार भगवान से मिलने जा रहा, पूछ के आना मेरे को भगवान कब मिलेंगे। बोले ठीक है, पूछ के आऊंगा। दूसरे वाले ने भी यही सवाल किया, बोले तेरे भी पूछ के आऊंगा। तो गए भगवान के पास, फिर आए वापिस, तो पूछा पहले वाले ने, पूछा क्या, बोले हाँ पूछा कि क्या बताया, बोले कि ये बताया कि जो तू है ना, ये तेरे तू है ना ऐसा, तेरे को भगवान है ना 400 साल बाद मिलेंगे। बोले 400 साल बाद मिलेंगे, बोला अभी भी मेरे को तो 13-14-15 साल हो गए तपस्या करते हुए, है ना, तो अब 400 साल और कौन बैठा रहेगा। तो वो उठ करके दरी झटका के रवनी रवाना हो गया, खेल खत्म, ठीक बोले अपनी साधना होगी पूरी, है ना सर। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा आदमी है ना, दूसरा आदमी ने बोला कि पूछा तुमने, बोला हाँ मैंने पूछा। बोले क्या बोले भगवान, बोले भगवान बोले कि उसको बोलना कि उसके जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ में कितने पत्ते हैं, उतने साल लगेंगे और मैं भी दर्शन दे दूंगा। तो बोले ये जितने पेड़ के पत्ते हैं ना, इतने पेड़ों इतने सालों में भगवान मुझे दर्शन देंगे। बोले हाँ। बोले मेरे जैसे आदमी को भी भगवान के दर्शन होंगे। बोले हाँ। बोले वो आदमी खुशी से नाचने लगा, और नाचते 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 ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि उसको भगवान ने तो उसी समय दर्शन दे दिए। तो
तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि इसमें क्षण मात्र का समय नहीं लगेगा, और समय तो तब लगे जब कुछ होना हुआ ना हो, है ना। और नहीं तो भैया वो कहे ना आंख बंद किए बैठ रहे हो, जैसा गुरु वैसा चल रहा, भजे करो ओम शांति, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पद्धति है, ये जो विधि है, ये विधि बिल्कुल डिफरेंट एंड टोटली चेंज आपकी लाइफ में, लाइफ चेंजिंग गेम है ये। आपका जीवन में पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जीवन जो है ना सर, पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर देता है ये। आपके बिना सोचे, बिना समझे, बिना चाहे, बस आपको तो खाली एक बार उनको कहना है हाय हेलो हाउ आर यू, है ना। उनको बस एक बार आप है ना रिसीव तो करके देख लो, है ना। फिर वो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जिसकी आपने क्या, आपकी 7 वीडियो ने कभी कल्पना नहीं की होगी, है ना। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल एक अलबेला, अनूठा और स्पेशल, बिल्कुल एकदम स्पेशल जीव हो जाता है आप। जो भी आपके वो, फिर वो परम सत्ता ही बोलती है, फिर वो गुरुदेव ही बोलते हैं, फिर वो ही बोलते हैं, है ना। फिर आपके आपके द्वारा जो कहा गया है, जो आपने कहीं बात कही है, उस बात के सत्य होने में, होने के प्रति वही लाज रखते हैं और वही उसको पूर्ण करवाते हैं, और उसका आभास तक भी हमें नहीं होने देते, उसका एहसास तक भी हमें नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि वो खटका ही नहीं होने देता, और सारा का सारा काम जो बिल्कुल इतना इतना स्लो, इतना स्मूथली, इतना शानदार तरीके से करता है कि आप बिल्कुल इससे जो है मतलब बिल्कुल एक चमत्कार इसलिए जी। बिल्कुल गुरु भाई, जैसा गुरुदेव हर शुरुआत का जो सेशन रहता था गुरुदेव का, जी सर, उसमें वो ये एक स्टेटमेंट देते थे जो बहुत मतलब फंडामेंटल बात है, और वो ये स्टेटमेंट है जो मुझे भी पसंद है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जब प्रकट ही नहीं हुआ तो उसको समझा ही नहीं जा सकता, जो प्रकट हो चुका है उससे नहीं समझा जा सकता, है ना। ये कितनी जोरदार बात है। और जो कुछ हो रहा है लोगों के जीवन में, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सर, अभूतपूर्व है। आज से पहले ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया, और इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं आया। आया होगा 400 साल वाला, अगर दरी उठा के नहीं जाता तो उसमें भी आ जाता, लेकिन लेकिन यहां तो 4 घंटे में, 4 दिन में, 4 सप्ताह में, 4 साल में ऐसे ऐसे परिवर्तन लोगों ने महसूस किए हैं। जिन गुरु बहन का मैं जिक्र कर रहा था वो 10 दिन से जुड़ी होंगी, और उनको गुरुदेव ने दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो उस प्रेम से जुड़ी, उसी श्रद्धा से, उसी समर्पण से जुड़ी है। कल मुझे एक और गुरु भाई ने फोन किया था, उनका नाम मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जीतू रॉय है उनका नाम। तो उन्होंने, वो बड़े देसी आदमी हैं, वेस्ट बंगाल में कहीं पे रहते हैं, बहुत गरीब हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेरे को कॉल किया और अपनी अनुभूतियां सुनाई। इतनी देसी अंदाज में वो अनुभूतियां हैं कि किसी साइंस के बस की बात नहीं है कि उसको मतलब डिफाई कर सके और या डिफेंड कर सके। और वो केवल और केवल प्रेम से भरा हुआ गुरु भाई है, प्रेम से भरा हुआ। मतलब उसके उसकी अनुभूतियां कल आएंगी, कल का जो सेशन रहेगा हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, पार्ट 61, उसमें आएंगी पहली पहली नंबर पे। 26 मिनट की बात है, उसको जितने लोग सुनेंगे ना, मैं बोलता हूँ उसमें से बहुत सारे लोग रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु का प्रेम ऐसा है, उसके प्रति जो प्रेम गुरु ने दिखाया ना, वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, और हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य वचन है, पूर्ण 100% सत्य है। जी अब मतलब वही बात है, मतलब हर एक के, अगर 1 करोड़ लोग बैठे हैं तो 1 करोड़ लोग इसको इसका लाभ ले रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ प्रकार के रिजल्ट आएंगे, है ना। मतलब वो जैसा कि गुरुदेव फरमाते हैं कि किताबों में तो 2, 4, 5, 10, 15, 25 योग के आसनों के बारे में कुछ लिखा गया है। प्राणायाम गुरुदेव कहते हैं कि हजारों प्रकार के प्राणायाम है जो किताब में तो आपको मिल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो
तो कहने का मतलब है कि ये तो एक गुरुदेव के द्वारा फरमाया गया, गुरुदेव का दर दर दिया गया एक छोटा सा एग्जाम्पल मात्र है ना, उस परम सत्ता की एक छोटी सी झलक के संबंध में मात्र है कि वो कितना विशाल, कितना विचित्र, कितना जबरदस्त। मतलब जैसे मतलब 1,000 लोग, 1 करोड़ लोग, चाहे पूरी संसार है, तो पूरे संसार के लोगों को, मतलब आप एक जीवन नहीं, आप हजारों जन्म, हजारों जीवन ले लेंगे ना, तो भी सभी की अनुभूतियां और सभी के जो आप अनुभव नहीं सुन सकते, इतने ज्यादा हो गए, अनबिलीवेबल होंगे, मतलब वो सारे ही चमत्कारों से भरे होंगे। हाँ जी, सर, सर सर आप गुरुदेव ने एक बात कही थी जी कि लोग इसलिए नहीं आएंगे कि मैं एड्स ठीक कर दूंगा, लोग इसलिए आएंगे कि मैंने एड्स ठीक कर दिया है। कर दिया है, यस और जितने लोगों को जितनी तरह की अनुभूतियां होती हैं, कभी कभी मैं भी अगर फोर साइटेड होकर के देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अपनी आखिरी सांस तक भी ऐसे सेशन करते रहेंगे ना तो भी कम पड़ेगा टाइम। पड़ जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा लेकिन हूँ सर। लेकिन गुरु भाई, काम जब जब गुरुदेव ने जो कहा है ना, अपने को बड़ा अच्छा टाइटल दिया है, अच्छा काम दिया है कि मेरे अखबार हो जाओ, फिर मतलब मैं ही छापूंगा और मैं ही बुलवाऊंगा। वो सर मैटर क्या है, मैटर ये है कि कहते हैं ना कि जो जो ईश्वर है ना, वो ईश्वर जो अति सहज, अति सुगम, अति सरल है ना, मतलब बिल्कुल सरल, सहज, सुगम है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम निर्मल जल की तरह है, बिल्कुल एकदम कांच की तरह साफ है, जो जो जैसी बात है उसको बिल्कुल एकदम सीधी सपाट उसी रूप में रखता है, उसमें कहीं कोई मोड़ नहीं, कहीं कोई जोड़ नहीं, कहीं कोई कर्म नहीं, कहीं कोई संस्कार नहीं, कहीं कोई विधि नहीं, किसी प्रकार की आपको कहीं कोई शर्त नहीं, विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल है ना। तो आप और ये सब चीजें केवल ईश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इतना सरल, इतना सहज, इतना सुगम और इतना अनकंडीशनल, जो जिसको कि हमारे योग की भाषा में अहेतु की बोला गया, विद मोटिव लेस है ना, जो विदाउट एनी मोटिव, जो जैसे कि इन द लीगल लैंग्वेज में होता है ना कि जो मर्डर होता है, मर्डर होता है तो मर्डर में एक 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 एक, एक आवश्यक तत्व तो होता है मोटिव, मोटिव इंटेंशन एक्ट एंड नॉलेज, चार चार उसके पार्ट्स होते हैं, जो एक एक व्यक्ति किसी दूसरे का, दूसरे को हर्ट करता है, कुछ करता है, ऐसा ऑफेंस करता है, तो उसमें मोटिव भी एक पार्ट होता है कि उसका क्या उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, तो देर इज नो ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मोटिव नहीं है उनका, मतलब वो आपसे कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, कई वो कहते इसमें लेन देन काम नहीं करेगा भैया, चढ़ावा काम नहीं करेगा, 51 रुपए दे दो और हाथ जोड़ लो और गिड़गिड़ाना, गुरुदेव कहते हैं ना इसमें हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना है ना, पांव पड़ना, ये सब काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हो करते जाओ, जहां हो वैसे बने रहो, तुम्हारे को अपने आप में कोई चेंज नहीं करना है, अपने आप में कोई चेंज नहीं करना है, कोई करेक्शन नहीं करना है, जो करेक्शन करना है वही करेंगे, जो चेंजेस अंदर करने बैठा हैं वो कर देगा करेंगे। अपने आप को। हाँ नहीं, वो जिस समय उचित लगेगा, जैसा उचित लगेगा, वो कहता है ना एक बीड़ी पी रहे हो, दो बीड़ी पियो, एक बोतल शराब पी रहे हो, दो बोतल पियो, इसका तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य ये है कि वी नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स, वी नीड नॉट टू चेंज द थिंग्स बाई द यूज आवर आवर माइंड, हमें दिमाग का उपयोग नहीं करना है ना, हमें तो खाली जो 3 शब्द दे दिए ना, उन 3 शब्दों को बस रटे जाना, रटे जाना, रटे जाना है ना, रट रट के परीक्षा पास कर लोगे, जितना रटेंगे, जितना प्रेम से रटेंगे ना, और बस दिल लगा के रटो, खूब रटो, रात दिन रटो है ना, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, राम 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 राम, बस एक रट पकड़ लो, रटते जाओ, और बस तोते की तरह रटते जाओ है ना, उससे ही पार पड़ जाएगी, उसी प्रेम से ही पार पड़ जाएगी, वो पकाना पोती पटपट जग भैया, पंडित भैया नहीं कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े हो पंडित हो है ना।
तो आपने चाहे भले ही रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, कितने ज्ञान पढ़ लिए, कितने टीका लगा दिया, कितने टमका कर लिया, है ना, चाहे बाल आपने बड़ा लिए, चाहे आप आपने बाल बिल्कुल साफ कर लिए, है ना, कुछ नहीं होना, आप 0/0, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं हाथ लगना, है ना। एक मतलब एक बात याद आती है कि सर गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति आए, सज्जन आए, और गुरुदेव को वो बोलते हैं कि गुरुदेव मैंने कुंडलिनी के बारे में काफी कुछ सुना है और मैं काफी लंबे समय से साधना भी कर रहा हूं और मेरी कुंडलिनी आगे भी बढ़ गई, लेकिन अब बीच में कुछ अटक गई। तो गुरुदेव बोलते हैं कि हाँ, तो गुरुदेव वो कहे कि गुरुदेव आप बता सकते हो कि मेरी कुंडलिनी कहाँ अटकी है। गुरुदेव ने कहा तेरी कुंडलिनी स्टार्ट ही नहीं हुई, जहां शुरू से थी ना वही आज ही है, गुरु बोले कोई भाई, आगे बढ़ी है, बोले कोई आगे। आप कहो फिर मैं कहता हूं। देखो नहीं, आप फरमाए सर, एक ही बात। मैं कह रहा हूं, ये जो बात आपने बता दी ना, ये कईयों का दिमाग ठीक कर देगी, क्योंकि ऐसे कई लोग भटक रहे हैं जो इस फिराक में है कि हम गुरु से आग योग कर रहे हैं तो हमारी कुंडलिनी कौन से चक्र को क्रॉस कर गई, ऐसे चक्रों हाँ में पड़े हुए हैं कई लोग। सर, सर मैं बताऊं आपको कि मेरे को भी ना, मेरे को अपने ही कई गुरुदेव के शिष्यों ने, कई जने पूछते हैं ध्यान करते, कहना आपकी कुंडलिनी कहाँ तक पहुंची है, पता है क्या आपको, पता चल रहा है कुछ। मैंने कहा यार मेरे को तो नहीं पता चल रहा है ना, तो बोले मेरी तो ना, मेरी बोले मेरी तो ना यहाँ यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक आ गई। मैंने कहा अच्छा बढ़िया बात है यार, तू तो यार बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। तो अब तो आजकल नहीं बोलते हो, है ना, और बड़ी लुटी पिटे अंदाज में रहते हैं, है ना। मैं कह यार मैं तो तेरे से, तो तू तो यार पहले थे ना बड़ा ऊंचा पहुंचा हुआ, बढ़िया था, जोरदार मामला था यार, आजकल तेरे थे ना ऐसे तोते के उड़े हुए, है ना। बोले कुछ नहीं ऐसे ही है। मैंने कहा ध्यान व्यान करते हो क्या कभी, वंस अपॉन ए टाइम किया था। मैंने बहुत बढ़िया, तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने कहा नहीं आपकी कुंडलिनी चल रही है कि नहीं चल रही है, ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ऑल थिंग्स आर इमेटेरियल, है ना। मेटेरियल थिंग क्या है, मेटेरियल थिंग ये है कि आपको तो उसको प्रेम से रिक्वेस्ट करके, अंदर हार्ट से प्रार्थना करके और एक करुण पुकार करके, अंदर से मांग करके, उनको जो है हाथ जोड़ के विनम्र, अति विनम्र शब्दों में जो आप अंदर से कर सकते हो ना, उससे बस झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहते हैं ना मेरे दरवाजे, मेरे गुरु का आदेश है स्पष्ट, तेरे दरवाजे पर आए हो कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, शर्त यह है कि उसकी कटोरी उल्टी नहीं रखी हो, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वहां गया हुआ कोई व्यक्ति खाली आ ही नहीं सकता। एक एक बात याद आती है सर कि मैं कुछ एक और बात शेयर करना चाह रहा था। जी गुरु भाई, बोलिए आप। जी, सर धन्यवाद सर। हमें जैसा कि सबको ध्यान है कि गुरुदेव के हकीकत असलियत में गुरुदेव कौन है, क्या करने के लिए आए हैं, वी ऑल नोज, हम सभी जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुदेव की एक व्हाइट हॉर्स पर गुरुदेव के विराजित हुए, हाथ में स्वॉर्ड तलवार लिए हुए की कल्कि अवतार के रूप में एक तस्वीर भी हमारे समक्ष मौजूद है, ठीक है सर। अब मैं इस संबंध में कुछ अनुभव हैं जो गुरुदेव के साथ बिताए गए हैं, उनके संबंध में मैं कुछ बात मेरे को याद आ रही है कि ये मैटर क्या हुआ, ये क्या हुआ कि हम लोग जोधपुर में थे वन सब, एक दिन एक बार की उस समय की बात है जब ये सारा चर्चा हुई, तो जोधपुर से हमारे पास, जोधपुर में जब थे तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई बीकानेर पलाना से, गुरुदेव के यहाँ से, कि आपको, आप लोगों को तुरंत वहाँ गुरुदेव के समक्ष वहाँ पलाना गांव जाना है। तो हमने बोला कि ठीक है चलते हैं। तो अब मेरे साथ कौन थे और हम कैसे गए ये मुझे नहीं ध्यान, लेकिन हम लोग गए, तीन चार लोग हम लोग गए वहाँ, और गुरुदेव के सम्मुख, गुरुदेव के विलेज जो पलाना गांव है, गुरुदेव का विलेज है पलाना, है ना, बीकानेर से पहले पलाना गांव में
हम गुरुदेव के जो निवास स्थान है, रेजिडेंस है, हाउस पर हम लोग गए। तो सर आप देखिए कि गुरुदेव वहां पर एक चारपाई पर विराजे हुए थे। जब हमने गए, हमने वहां देखा है ना, और चारपाई पर विराजे हुए गुरुदेव ने एक बिल्कुल ये जो सैंडो कट बनियान होती है ना, ऐसी कोई ऐसी बनियान सी गुरुदेव के पास पहनी पहनी हुई थी। यहाँ तक कि स्लीव्स की बनियान थी, हाफ स्लीव्स की बनियान होती है व्हाइट, और गुरुदेव ने धोती पहन रखी, ऊपर कुर्ता नहीं पहन रखा। और सर है ना, मैंने देखा कि गुरुदेव का जो बनियान का जो पोर्शन था ना सर, आगे सा ये पूरा ब्लड से भरा हुआ था सर, है ना, और गुरुदेव की आंखों से आंसू आ रहे थे सर, है ना। तो बस हमसे तो वो नजारा ही नहीं देखा गया है ना, और बड़ी स्थिति विकट और विचित्र हो गई। अब करें तो क्या करें, और ये सब क्या है, ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, कई सारे सवाल अंदर आने लग गए, है ना। बोले कि गुरुदेव अब तो अपना कोई आदेश दें और आगे देखते हैं जो भी होगा, है ना, कि ये सब क्या हो गया, है ना। तो वहां क्या हुआ कि गुरुदेव ने कहा कि अब वो जो घोड़े पर जो तस्वीर है ना, उसको बनाने का समय आ गया है, और वो तस्वीर बना दो, और हाथ में स्वॉर्ड तलवार और व्हाइट हॉर्स का उस समय कुछ गुरु भाइयों की पहले भी, या गुरुदेव ने कोई कईयों को पहले आदेश करा होगा, दिया निश्चित रूप से दिया है, ध्यान अवस्था में दिया होगा, भौतिक रूप से भी दिया है होगा, है ना। और लेकिन जब वहाँ समक्ष गुरुदेव के सन्मुख समक्ष जब वहाँ बैठे, तो बिल्कुल लिटरली आंखों से आई से आंसू आ रहे थे, और गुरुदेव ने बिल्कुल ये कहा कि तुरंत वो तस्वीर बना दो। और अब तो जैसा कि गुरुदेव की आज्ञा हुई, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, वो शायद 1 दिन में ही हो गया होगा, जो हम जो कल्कि अवतार की जो तस्वीर हम देखते हैं, वो तस्वीर जो है बनी। अब ये सारा जो इंसिडेंट था, ये सारा इंसिडेंट, फिर उसके बाद हम आ गए, और उस दिन हमें ये लगा कि जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि का निर्माता है, जो इस सृष्टि का विधाता है, और जो पूरी सृष्टि के, और हम जैसे जो निकृष्ट प्राणी हैं, जो निकृष्ट लोग हैं, हमारे भी कष्ट, सारे के सारे कष्टों को हर रहा है, तो वो तो भगवान शिव शंकर से भी बड़ा मतलब लेवल के, है ना, है। और जिन्होंने हमारे सारे कष्ट, मतलब सारे जो विष हैं, मतलब उनको जो इन्होंने सबको इन्होंने हर लिया, और इनको ही पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो तामसिकता का जो अटैक है, वो कुछ ऐसा है, उस कारण से ये हुआ। तो उस दिन जो एक फीलिंग हुई, और जो एक अंदर से एक लगा कि जब तक, मतलब ये इस तामसिकता की नाम की जो बीमारी है ना, ये इस पूरे संसार से जब तक नहीं मिटा देंगे ना, इसको पूरा नष्ट नहीं कर देंगे, इसका पूरा समापन समारोह नहीं कर देंगे ना, तब तक, और ये जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांस चल रही है ना, अब ये सांस उन्हीं के नाम है ना, बस बस वो कहते हैं ना, कसम है गुरुदेव की, इसका पूरा, जिन्होंने बस उनके आंख में जो आंसू लाया ना, अब बस वो गया काम से, है ना। चाहे वो कैसी भी बड़ी तामसिकता, कितनी भी बड़ी से बड़ी तामसिकता है, चाहे किसी भी प्रकार की, किसी भी रूप में, कहीं पर भी है ना, वो टिक नहीं सकती सर धरती पर। तो कहने का मतलब है कि वो एक बड़ा ही जो जोरदार वाला आकर्षक, जो मतलब जो क्या कह सकते हैं उसको सर, बड़ा मतलब ऐसा, ताकि उसके बाद स्थिति ऐसी होगी कि मतलब एक एक क्षण, एक एक पल जो है, इन्हीं के नाम है, इन्हीं के नाम होना चाहिए हमारा कार्य, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सोच, प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक कार्य कृत्य, जो भी आप बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं, तो हरे काम वो केवल और केवल गुरुदेव के
कार्य संपादन के लिए ही लगा होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, है ना। और वो जो बिल्कुल तामसिकता, तामसिकता नाम की बीमारी है ना, ये पूरे संसार से, पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे समस्त लोगों से इसका जो है समूल समूल नष्ट और नाश इसका करना ही इस शेष बचे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक ये सांस चलेगी तब तक उनका ही मतलब सैनिक और यंत्र बनके ये कार्य करे, है ना। ऐसी गुरुदेव से जो है ना विनम्र करुण शब्दों में प्रार्थना, और गुरुदेव अभी तक तो गुरुदेव ने लाज रखी है, आगे भी गुरुदेव कृपा बनाए रखेंगे, है ना, पूरा भरोसा है। बिल्कुल गुरु भाई। जी और जी ये भी बहुत कम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा होती है जिनको वो अपना अखबार, अपना कार्मिक, अपना सैनिक, अपना फौजी, अपना हरकारा बनाते हैं, लेकिन जिसको भी बनाते हैं उसके लिए वही रूल एप्लीकेबल है जो गुरुदेव के ऊपर एप्लीकेबल था जब गुरुदेव ने कहा कि भैया पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब ये गंगाई नाथ जी की करता हूं। उसमें तो रिटायरमेंट होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। तो इंसिडेंटली ये हुआ कि भंवर सिंह जी गुरु भाई हैं जो 1986 से जुड़े हैं गुरुदेव से, मैंने शुरू में जिक्र किया था। उनके पास कुछ गुरु भाई बहनों को मैंने कनेक्ट करवाया कि आप इनसे एक बार जरूर बात करो, थोड़ी और गहराई में आपको चीज समझ में आएगी। वो रिटायर्ड व्यक्ति हैं सरकारी नौकरी से, और उनका एक मतलब पैटर्न है, उठने में जैसे इतने बजे तक उठेंगे, फिर इतने से इतने बजे तक सोएंगे, फिर शाम को 4:30 से 7:30 तक गुरु भाई बहनों से बात करेंगे, ऐसे करके। तो क्या फ्लड सा आ गया उनके पास। तो मैंने आज उनसे बात की, उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि भंवर सिंह जी ऐसा है, गुरु जी ने कहा था ना कि इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, तो अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपके पास ऐसी भीड़ ही भीड़ आती रहेगी जिनको आपको गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताना है। तो आप रेलवे से भले रिटायर हो गए हो या नौकरी से रिटायर हो सकते हो, लेकिन गुरु के कार्य से रिटायर नहीं हुआ जा सकता, नहीं हो ये सकता, निश्चित बात है। नहीं हो सकता। और ये भी बात है कि जिस अंदाज में गुरु अपनी बात पहुंचाना चाहता है वो उस अंदाज में पहुंचाता है। एक सेम स्टेटमेंट है लेकिन उसको कैसे इंटरप्रेट करवाता है वो सब उसकी लीला है। अब बहुत सारे मूवीज हैं, बॉलीवुड की है, हॉलीवुड की है, सब तरह की मूवीज है, लेकिन हमको केवल और केवल गुरुदेव के डायलॉग याद है, ठीक है। और उनको कहने में, उनको बोलने में जो आनंद आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। सर सर एक चीज बताऊं सर, जी आपने कहा ना हमें केवल वही डायलॉग याद है ना। इस पर एक बात याद आई कि वो कहते हैं ना कि मीराबाई हुए थे, है ना, कबीर दास जी हुए थे, रैदास जी हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी हुए थे, रामकृष्ण परमहंस जी हुए थे। तो ये जो मूर्तियां हुई है, ये जो सज्जन, ये जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, ये जो भक्त लोग हुए हैं, है ना, ये इनके समय में भी कई कलेक्टर और वगैरह अलग अलग पोस्ट के लोग और बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े धन्ना सेठ रहे होंगे ना, लेकिन उनके नाम तो कोई भी नहीं जानता, है ना। और ना कोई उनका कोई हिस्ट्री में कोई वर्णन है कि कितने धन्ना सेठ के पास में कितनी बिल्डिंग ऊंची थी, कितने माले की बिल्डिंग थी, कि उसका कोई 8 स्टोरी का बिल्डिंग बंगला था, पता नहीं क्या था, जो भी था, है ना, कितनी गाड़ियां थी, क्या था क्या नहीं था। तो इस पर एक कबीर दास जी की एक बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने बताया कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होई, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब आपके पास में अगर वो कहने बिना, वो जैसे होता क्या सर, जैसे बिना मछली, बिना पानी के मछली, वो कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो कहने का मतलब है कि मछली जैसे बिना जल के अगर आप उसको बाहर निकालेंगे ना, तो वो क्या होगा कि मतलब काफी देर तक वो तड़पेगी, और एक लिमिट बाद उसको अगर वो पानी की वो उपलब्ध नहीं, उपलब्धता नहीं होगी, जल की उपलब्धता नहीं होगी, तो वो अपना सांस छोड़ देगी, दम तोड़ देगी। तो क्या हुआ कि मैटर ही कुछ ऐसा है कि जब
गुरुदेव ने अपना जो भौतिक शरीर है, जो भौतिक शरीर के ब्रह्मलीन होने की जो बात थी वो कुछ है ना, उस समय क्या होता है कि बदकिस्मती से, मैं तो बदकिस्मती कहूंगा सर, उस समय मुझे रात को इस बारे में जो जो ये जो न्यूज प्राप्त हुई, ये मुझे मेरे भाई जोधपुर में जो रहता है, मेरे जोधपुर जोधपुर में मेरे घर भी है, तो वहां से मेरे जो भाई है, छोटा भाई है ना, उसने मुझे ये न्यूज दी। और अच्छा, उस समय देखिए सर, आई वॉज सो मच अनलकी कि उस समय क्या हुआ कि छुट्टी का दिन था, अवकाश का दिन था शायद संभवतया, तो फैमिली के साथ में हम लोग एक मूवी देखने के लिए, जब कोरोना वरना कुछ नहीं था, तो मूवी देखने के लिए पिक्चर हॉल में चले गए थे, और मूवी देख करके बाहर निकले, बाहर निकले तो ऑल ऑफ सडन जोधपुर के घर से उनका फोन आता है वहां से, और तो मुझे लगा कि अभी रात को 9:30 बजे उसका कॉल क्यों आया है, क्या बात हुई। मैंने कहा कहीं मदर की तबीयत या कुछ और बात होगी, पता नहीं क्या बात हुई। तो वो जैसे बोलता है, वो जैसे उसने बोला कि क्या अजीत भैया है ना, एक बात कहनी है। मैंने कहा बता क्या बात है। बोला कि गुरुदेव नहीं है। मैंने कहा कहाँ नहीं है गुरुदेव। बोले गुरुदेव नहीं रहे। मैंने कहा क्या नहीं रहे गुरुदेव। बोले कि गुरुदेव अब नहीं है। तो सर ऐसी स्थिति हो गई उस समय, जैसे ये वाक्य है और ये शब्द सुने उसके, वो शब्द आज भी बिल्कुल कानों में गूंज रहे हैं कि सुनते ही अब वो फोन ही कट नहीं हुआ हाथ से, और वो हाथ जो है यूं ऐसा कंपन सा शुरू हो गया। पास में फैमिली वाले लोग पास में खड़े थे, तो अभी 2 मिनट पहले तो उनसे ढंग से बातचीत कर रहे थे, लेकिन 2 मिनट के बाद ही, उसी 2 मिनट के बाद बिल्कुल एटमॉस्फियर, सारा व्यवहार, सारा बिहेवियर में बिल्कुल चेंज एकदम से आया, और मतलब शरीर बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया और एक सुन्ना सा हो गया, ऐसा लग रहा जैसे कोई कुछ अंदर से निकल गया है कुछ, है ना। मैंने तो ये लोग जो पास में खड़े थे ये बोले कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो, तो कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोल करके गाड़ी में बैठे, और उनको कोई जवाब ही नहीं दिया वापस, जवाब नहीं दे करके और गाड़ी में बैठ करके और घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में सीधा आकर के जो बेड लगा था बिस्तर पे आके सो गए। सोने के बाद में फिर भी मिसेज ने पूछा कि बात क्या है, आप चुप क्यों हो, आधा घंटा हो गया बोल नहीं रहे हो कुछ भी। तो बोला ही नहीं गया, जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही है ना शुरू हो गया मामला, शुरू हो गया। तो अब वो रुके ही नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, और रात को कब नींद आई कब नहीं आई कुछ पता नहीं चला, और समय निकला, और अगले दिन जैसे तैसे हिम्मत करके उठे, उठ करके लीव एप्लीकेशन भेजी। लीव एप्लीकेशन भेज के जो अपने श्री गुरुदेव हैं, गुरुदेव के विलेज वहां पर गए, और वहां गए, और वहां जाने के बाद में ये सिलसिला तो कंटिन्यू चल रहा था कि आंसू रुक ही नहीं रहते, है ना। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति हुई कि उसके बाद में जब वो सारा प्रोसेस हुआ वहां पे, और प्रोसेस होने के बाद में और वहां से आने के बाद में भी यही सिलसिला चलता रहा, और जब वापिस घर में आ गया, घर पे आने के बाद में भी कम से कम 2-3 दिन तक कंटिन्यू सिलसिला चलता रहा। तो जबकि जो जो मेरे जो रिय फादर थे, भौतिक पिता थे, तो ये तो गुरुदेव तो हमारे मेरे तो अब तो खैर वो एक नाम है, आध्यात्मिक पिता भौतिक पिता सारे यही है जो है, शुरू से लेकर अंत तक यही है ना, तो कुछ है ही नहीं इनके आगे, तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि वो सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा, और ढंग से काम पे भी नहीं जा सके, और कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी, जैसे कि बिल्कुल वो सीन वो बिल्कुल याद आता है कि जैसे पानी में से मछली को निकाल करके बाहर रख दिया, तो वो बिना पानी के जैसे छटपटाती है ना, वो ऐसी छटपटाहट अंदर शुरू हुई कि हे परमात्मा ये क्या अनर्थ हो गया, ये कैसे, मतलब ऐसा ऐसा फीलिंग हुई कि ये कैसे हुआ सब, है ना। तो
जितना जितना फील, जितना महसूस, मतलब मेरे भौतिक पिता के जो अंतिम समय में भी नहीं हुआ, अंतिम समय आने पर भी नहीं हुआ, उससे कई हजारों हजार गुना फीलिंग्स इस समय में हुई है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि ये जो अट्रैक्शन है, ये जो एक प्रकार का जो एक इनर कनेक्शन है, ये कनेक्शन रेरेस्ट ऑफ रेयर है सर ये। और उसके बाद 2017, 5 जून 2017 का जो दिन था, उसके बाद स्थिति कुछ और चेंज हो गई, और ज्यादा स्ट्रोंगनेस आ गई, और वो पावर जो है इतनी फास्ट काम करने लगी कि बस जैसे कि बहुत जल्दी वो कोई जैसे मतलब बहुत बड़ा बदलाव चाहती है, बहुत कुछ परिवर्तन चाह रही है, और आपको कोई बहुत बड़े ऑर्डर पास कर रही है ना। तो जब जैसे सपोज एक एग्जांपल सा कुछ याद आता है कि जब फील्ड में रनिंग करने के लिए भी जाते हैं ना, तो यूं लगता है कि ऐसा लगता है कि किसी और उद्देश्य के लिए आपको तैयार होना है ना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए अनसर्टेन रीजन जो आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आप यू आर टोटली अनअवेयर नाउ दिस टाइम। इस समय आप बिल्कुल उस जो कार्य है ना होना है उससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ है, आपके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की हुई, और अंदर एक अंदर इनर साइड में एक ऐसी सर एक स्ट्रोंगनेस ऑटोमेटिक आती चली गई, आती चली गई, इतनी जबरदस्त आती चली गई कि ऐसा लगा कि सामने एक पहाड़ का भी खड़ा कर दोगे ना, तो कुछ ही सेकंड में उसको भी बिल्कुल हटाने में पूरा सामर्थ्य गुरुदेव ने प्रदान कर दिया है। इतना अंदर जो है कुछ माल मसाला कह सकते हैं, माल मसाला देसी भाषा में, कि माल मसाला अंदर भर दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो मैटर है ये, और इसलिए कहते हैं ना, कई जने कहते हैं ना कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, वो अपने वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। मैं कहता हूं कि गर्व से कहो हम इन गुरुदेव के शिष्य हैं, ठीक है ना सर। मैं छाती ठोक करके मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इन गुरुदेव का शिष्य हूं, ठीक है ना। सब कुछ सेकंड और फर्स्ट एंड फाइनल यही, बाकी कुछ नहीं। ये है तो सब है, ये है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है सर कि जी, नहीं, आप कहिए सर, आप कहिए, नहीं मैं नहीं सुन रहा प्लीज हूं। नहीं सर आपने जो प्लीज। बात कही है ना, हाँ सर, वो अंतिम सत्य है। ये गुरुदेव ने भी कहा है जी कि सर, भगवान ने इंसान बनाए, इंसानों ने धर्म बना दिए, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं उसी चीज को ऐड करके और विद प्रूफ कहता हूं कि शुरू शुरू में जब मुझे जोड़ा गुरुदेव ने, तो मेरा जो ट्रिप था पहला इंडोनेशिया का था, जहां पर मुस्लिम लोग हैं, उनका राज्य है, क्रिश्चियंस हैं, वो रहते हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी माइनॉरिटी में हैं, और दो चार हिंदू भी मिल जाएंगे, इंडियंस जो भी हैं बचे हुए। तो मेरे को जो पहला एक्सपेरिमेंट करवाया वो एक क्रिश्चियन पे करवाया, दूसरा क्रिश्चियन पे करवाया, तीसरा बुद्धिस्ट पे करवाया, चौथा क्रिश्चियन पे करवाया, पांचवा मुसलमानों पे करवाया, और सारों के एक ही अड़ंगा है, जो अंदर कुंडलिनी है ना, वो गुरु के आदेश से जाग गई। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं, पूरी दुनिया में छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आपके शिष्य हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, क्योंकि इसमें सारा कुछ शामिल है, पृथ्वी से लेके आकाश तक जो कुछ भी है वो इस गुरु के पास है, इसके ऊपर आपको कुछ चाहिए नहीं। और ये मानवता धर्म जब तक प्रतिस्थापित नहीं हो जाता, पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक गुरुदेव को भी चैन नहीं पड़ेगा, और उनके शिष्य वो अपने अपने लेवल पर तैयार करते रहेंगे। आज नहीं, कल और होंगे, ऐसे लाखों करोड़ों शिष्य होंगे, और ये एक ऐसी क्रांति है
ये एक ऐसी क्रांति है जो सरस्वती नदी की तरह छुपी हुई क्रांति है, उद्घाटित क्रांति नहीं है। ये परिवर्तन उसी प्रकार से आएगा जैसे कोरोना सब तक पहुंच गया, वैसे हमारा गुरु जो है वो बात बात में सारों तक पहुंच जाएगा, और उसकी जुबान जो है, उसकी वाणी जो है, वही कल्कि की तलवार है। सर बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आप ना, आप जो काम कर रहे हो ना, करते जाओ, है ना। और पावरफुल और सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली अगर ये पावर है तो 100% आपको खींच लेगी, और अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं था। जैसे शुरू में थे वैसे ही बाद में हो। तो मतलब बहुत सीधी सी बात है कि इसमें इतना मतलब जबरदस्त, एक जबरदस्त खिंचाव है ना, कि ये मतलब जिसने एक बार इनकी तरफ हल्का सा भी एक बार प्रार्थना भर कर ली ना, सामने खड़े हो गए, समझो वो गया काम से ना। फिर वो फिर उसी का हो गया सर। उसका उसमें खुद का कुछ नहीं रहेगा, है ना। अब वो ना गणाई रोकने की कोशिश करे, है ना, तो भी फिर वो जो है लुट गया फिर तो संसार, है ना। फिर तो भाई फिर तो मामला ही कुछ और हो जाएगा फिर तो सर, है ना। हाँ फिर तो मौज, फिर तो केवल, है ना, फिर तो वो गए फकीर वाली स्थिति हो जाएगी। फिर तो मौज करो, है ना, आ गया हाथ जो आ गया, गया जो गया, रह गया जो रह गया, और बस आप तो अपना, आपका अपना कुछ भी नहीं रहेगा। आप तो खाली, आप तो उनके एक माइक हो जाओगे। आपको जैसा वो चाहेगा ना वैसे ही बोलेंगे, जैसा वो सोचेगा वैसे ही सोचेंगे, जैसा वो करेगा वैसे, जैसा वो कहेगा वैसे ही करेंगे, है ना। जैसा वो परिणाम चाहेगा वैसे ही परिणाम आएगा, और ये सब चीजें आपके सामने साक्षात करके होंगी, है ना। और आप इनके सबके प्रत्यक्ष दृष्टा होंगे, आप इनको सामने सामने देखेंगे, है ना, और आनंद लेते जाएंगे। और लोग बस इस स्थिति का जो है ना, दुनिया भी इस परिस्थिति को देखेगी इस। लेकिन सर ये एक चीज है कि ये शक्ति ऐसी शक्ति है कि आपका सकारात्मक रूप में ना आपके चेंजेस लाएगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और लाइफ में पॉजिटिव। सर मैं एक चीज बताऊं, एक बात याद आती है कि जैसा कि गुरुदेव कहते हैं ना कि एक शराब की बोतल का जैसे एग्जांपल दिया, एक बोतल पी रहे दो, कहने का मतलब है जो आपके नेगेटिविटी, मतलब जो आपके नेगेटिव, जैसे सपोज मेरे मोबाइल में 25 कॉन्टेक्ट्स है, है ना, 25 कॉन्टेक्ट्स आर इन माय मोबाइल, है ना, तो क्या है कि सपोज मान लो उनमें से 6 कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जो दे आर टोटली नेगेटिव पर्सन, है ना। तो वो क्या होगा कि जब अगर ये शक्ति ने काम करना अपना विधिवत प्रक्रिया से चालू होगी ना ये, तो फिर है ना ये उन 6 को भी नहीं छोड़ेगी, है ना। ये क्या करेगी उनका, है ना, उनका ऐसा सफाया, उनका ऐसा पत्ता काटेगी कि वो और आप दोनों ही सोचोगे, आप तो चाहोगे कि हम उनसे बात करें, वो चाहेंगे बात करें, न तो वो बात कर सकते हैं न आप बात कर सकते हैं, और मतलब आपको न चाहते हुए भी खींच करके दूसरी जगह ऐसे कॉन्टेक्ट से जोड़ेगी जो आप, जो उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करे, उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगा है, उन्हीं के साधन, मतलब आप उनका खाली बस, मतलब बिल्कुल आप तो एक जीता जागता यंत्र हो उनका, इससे अधिक आप और कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक बात याद आपके साथ, सॉरी गुरुदेव, गुरु भाई, मैं तो आपके साथ गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी ऐसे लाखों यंत्र बना दे आपको, एक महीने के अंदर दुनिया पलट जाएगी और दुनिया देखती रह जाएगी कि कैसे पलट गई। सर मैं बताऊं आपको कि गुरुदेव ने कहा ना कि काम तुम क्या नहीं करोगे, मैं तो पत्थर से भी काम करवा लूंगा, है ना, पत्थरों से भी काम करवा लूंगा। तो कहने का मतलब है कि जब अपन, एक बात याद आती है महर्षि अरविंद के संबंध में, एक बात याद आती है जो अरविंद घोष ने, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना कि तुम सोचते कुछ हो और करते कुछ हो, है ना, तुम चाहते हो एक परिणाम आवे लेकिन परिणाम उससे बिल्कुल विपरीत आते हैं, है ना जी। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ भी हो रही है सर, है ना, ज्यादा तो नहीं, देखो इतनी बड़ी बात गुरुदेव कृपा बनाए रखे, ऐसा कुछ नहीं, बट मतलब है ना थोड़े थोड़े छींटे तो पड़ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी कृपा बारिश तो गुरुदेव ने करनी शुरू कर दी है। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि ईश्वर की जो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय जो है ना, वो ईश्वर की प्रत्यक्ष, गुरुदेव कहते हैं ना कोई बोलता कि नहीं बोलता अंदर, तो वो बिल्कुल बोलता है, बाकायदा बोलता क्या है, वो बातचीत करता है,
और वो आपका अपना डायरेक्शन जो है बिल्कुल लिटरली आप तक पहुंचाता है, जैसे बिल्कुल चुपचाप एक साइलेंट वे में आपको एक कोई बात कही जाती है, एक कान में कोई खुसखुस आता है, वैसे उस पर जैसे मैंने पहले भी निवेदन जिक्र किया था इस बारे में, तो उसी प्रकार से अंदर एक आवाज सी आती है और बिल्कुल आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सर आप बिल्कुल बिल्कुल छाती ठोक करके आगे बढ़िए, आपका रास्ता बिल्कुल आपको एकदम राजमार्ग की तरह खुला मिलेगा, विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हड़बड़ी भीड़भाड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल उस पर फ्रिक्वेंटली आगे बढ़ेंगे। और सर मैं एक चीज बताऊं कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, कितने मतलब है ना गजब के हैं, मैं तो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब जिनके आंख में मैंने आंसू देखे वो व्यक्ति हमारे आंख में आंसू ही नहीं आने दे रहा, और कोई तकलीफ ही नहीं होने दे रहा, और मतलब है ना सारी समस्याएं वो मतलब है ना, मतलब समस्या आती है और समस्या को यूं निकाल देता जैसे कोई पैर में से कांटा निकालता है ना, धीरे से निकाल के ये लो अब हाथ लगाओ तो बिल्कुल कोई जैसे दर्द ही नहीं था, है ना, तो वो इतना ध्यान रख रहा है। तो ऐसा कौन सा अच्छे कर्म कर दिए थे, ऐसे कौन से अच्छे कर्म थे जो ऐसे ऐसा मामला हाथ लग गया, है ना, वो तो कहे ना तीतर का हाथ बटे रात लगी, है ना, जी वो कहे ना जी ये तीतर हाथ बटे, मतलब वो वाली बात हो जाती है कि ऐसे तो कर्म इस जन्म में तो ऐसे कर्म किए नहीं थे अच्छे, है ना, वो जो है ना जो पीपल के पेड़ पत्ते नीचे पत्तों वाली 400 साल वाली बात थी, हाथों हाथ ईश्वर मिलने वाली बात है। तो ये तो सर कुछ ऐसी स्थिति है कि तुरंत प्रभाव से चट मंगनी रिपट ब्याह वाली बात है, इधर बात पक्की क्योंकि हुई उधर सारा अंडा अपने अंदर ही है ना, सारा सामान अपने अंदर है, दिया भी है, तेल भी है, बत्ती भी है, बस जो एक ज्योति जल चुकी है उस ज्योति से चिपक जाओ, वो गुरुदेव में जल गई तो अपने अंदर भी जल जाएगी। सर 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 उस ज्योति से चिपकाते भी वही है ना, हाँ हाँ वो अपने अपन है ना, अपन है ना अपनी इच्छा से भी नहीं चिपक सकते सर उससे, है ना, उसमें अच्छा उसके लिए क्या प्रार्थना भी वही करवाएंगे, है ना, कहने का मतलब है सर प्रार्थना भी वही करवाएंगे, चिपकाएंगे वही, नाम दे देंगे कि प्रार्थना तुमने नहीं की, है तो कहने का मतलब है कि वो इतने अच्छा दयालु भी बहुत है लेकिन होशियार भी बहुत है, चालू भी बहुत है, मतलब वो देखो, ईश्वर से होशियारी नहीं चलती ना। मतलब वो हाँ मतलब वो कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है, हम लोग गलती कर देते हैं कि हम ईश्वर को बेवकूफ बनाने चल पड़े। हाँ चलो है गुरु ना, भाई, आज नहीं के सर सेशन को विराम देते हैं। आपके घर वाले भी उधर से आपको देख रहे होंगे और मेरे घर वाले भी पीछे इंतजार कर रहे हैं कि आ जा, तो अब की बार देख। तो ऐसी गुरु चर्चा जिसका कोई अंत नहीं है और वो अनंत चलती रहे, क्योंकि गुरु अनंत है और उसकी कथा भी अनंत ही है, और जो उसके प्रेम में पागल हो चुके हैं उनके लिए फिर दुनियादारी कुछ नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है कि ये सांसारिक सुख देगा और मोक्ष भी देगा, तो सांसारिक सुख में रहने के लिए भी जरूरी है। और मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, 211 लोग अभी मेरे साथ देख रहे हैं, 222 को, उन सब की तरफ से और जो लोग देख रहे हैं उन सब की तरफ से भी, कि अभी कुछ सवाल होंगे गुरु भाई बहनों के, तो एक सेशन आप प्लीज उन सवालों के लिए भी रखें, क्योंकि जो आपके समझाने का तरीका है वो इतना सिंपल है कि बस आप मतलब गुरु जी के कॉम्पिटिशन में आ गए एक तरह से, सिंप्लिसिटी में, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। तो अगले मंगलवार रात 9 बजे या 8:30 बजे, जैसा आप चाहें, आपकी टाइम पहले फिक्स कर लेते हैं, एक अगला सेशन जो होगा उसमें आपकी अनुभूतियों के अलावा आप प्लीज कुछ क्वेश्चंस भी लीजिएगा, और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि वो क्वेश्चंस लिख दें यहाँ पे जो चैट होती है, और फिर एक एक करके उन क्वेश्चंस को अपन एड्रेस करेंगे। सर मैं एक बात बताऊं सर, सर मुझे तो जी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब मेरे से क्या, मेरे से तो बहुत अधिक कई गुना अधिक बेटर प्रभावशाली और सरल तरीके से बात को बहुत बढ़िया तरीके से बात को बता सकते हैं, कि तो ये सर ये सारा श्रेय और जिम्मा तो सर आपको ही संभाले तो ज्यादा, मैं तो सर देखो बिल्कुल सर मैं बताऊं मैं बिल्कुल एकदम देसी ठेठ गंवार, ठीक है ना, बिल्कुल लोग है ना बिल्कुल एकदम ढोल गवार की भाषा में, बिल्कुल अनपढ़ गवार की भाषा में, कुछ नहीं एकदम जीरो है ना सर, उस रूप में मैं तो बात करता हूँ सर। तो और अगर
आप जिस भाषा में बात करते हो लोग उसी भाषा को पसंद करते हैं, उसी में उनके समझ में आएगी तो आप कहोगे ना गुरु भाई। तो ये मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ और 220 लोगों की तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ। जवाब तो आप दे नहीं रहे हो, जवाब तो गुरुदेव देंगे आपके अंदर से, बस मस्त रहो, वो जाने और उसका काम जाने। तो आज के सेशन को अपन यहाँ विराम देते हैं इस प्रार्थना के साथ कि जैसा परिवर्तन हमारे जीवन में आया है वैसा ही परिवर्तन हर मानव मात्र में आ जाए, पूरी मानव जाति में आ जाए, वो इंसानियत इंसानियत में परिवर्तित हो जाए, उसका दिव्य रूपांतरण हो जाए। इतनी सी प्रार्थना कर रहे हैं अपन, ज्यादा बड़ी कर भी नहीं रहे। तो इसके साथ ही ये सेशन को विराम देते हैं गुरु भाई, और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है आपके साथ जितनी बात हुई है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे अंदर एक ऐसा परिवर्तन और एक ऐसा सुकून भर देता है जो मैं बार बार अगर ये एपिसोड देखूं ना तो सारा सुकून मेरे को एक अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो आपके अंदर जो गुरु बैठा है ना, मैं तो उसको राम राम कर रहा हूँ कि गुरु जी तेरा जिया राखा जिया रहे। सर ये बिल्कुल ही आपके अंदर गुरुदेव गुरुदेव विराजे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, ये गुरुदेव की गुरुदेव के द्वारा दी गई सकारात्मकता ही है सर, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। गुरुदेव के द्वारा जो एक पॉजिटिविटी जो क्रिएट हुई है ये उसी का परिणाम है सर, है ना, और ये उसी के कारण से, क्योंकि चूंकि सब में वो ही वो है, सब में राम ही राम है, सब में गुरुदेव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ईश्वर है, ईश्वर ही गुरुदेव है। तो ये इसी कारण से ये जो फीलिंग्स आ रही है, ये फीलिंग्स इसी कारण से आ रही है। बाकी आप मेरे मुझ में तो अंतर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता सर, है ना, और सभी में वही वो है, तो बस उन्हीं की जय हो सर, सब सब लीला उन्हीं की। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपको सबको जय गुरुदेव।